नमस्कार, कनेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो ही गर्मी ने शुरू होते ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और विकराल रूप धारण करते हुए हर तरफ हाहाकार मच गई। वहीं पर अगर बात करेंगे तो आज थोड़ा मौसम जम्मू का भी सुहाना दिख रहा है, यानी कि थोड़े बादल ना कड़कती धूप से, पर हाँ उमस बढ़ रही है। वहीं पर बताना चाहेंगे कश्मीर में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। जम्मू में बारिश से पारा गिरा 4 से, फिर बदलेगा मौसम, यानी मौसम के तेवर बदलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जुलाई तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में रात और तड़के बारिश के आसार है। कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं पर बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। जम्मू संभाग में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई हिस्सों में पारे में गिरावट आई है। तो कश्मीर में सोमवार को अगर बात करें तो गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। जुलाई माह का पहला दिन यानी कि कोकरनाग में 9, श्रीनगर में 4 साल, काजीकुंड और कुपवाड़ा में 2-2 साल बाद सबसे गर्म दिन रहा। वहीं पर बताया जाए कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा था। वहीं पर बताना चाहेंगे 4 से 7 जुलाई के बीच भूस्खलन भारी बारिश का अलर्ट है। बताना चाहेंगे आपको मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जुलाई तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में रात और तड़के बारिश के आसार है। कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 4 से 7 जुलाई के बीच कई जगह बारिश, बाढ़, भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पहाड़ों से पत्थर गिरने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार निचले और मैदानी इलाकों में जल भराव हो सकता है, बिजली गिर सकती है। वहीं पर कश्मीर में कई दिनों से शुष्क मौसम के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। श्रीनगर में सोमवार को दिन का पारा सामान्य से 4.7 डिग्री चढ़कर 34.3 और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले श्रीनगर में 18 जुलाई 2021 को अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया था। कोकरनाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री चढ़कर 31.9 यानी के दर्ज किया गया। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको जम्मू में निरंतर तड़के बारिश हो रही है। यहाँ सोमवार को 4.2 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि आर्द्रता का प्रतिशत 73 रहने से उमस परेशान कर रही है। बनिहाल में अधिकतम तापमान 31.8, बटोत में 28.8, कटरा में 34 और भद्रमा में 30 डिग्री चल रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री चल रहा है। यानी ये मौसम जो विभाग की तरफ से जो अपडेट था वो हमने आपके समक्ष रखा। यानी 4 से 7 में फिर से होगा मौसम में बदलाव। भूस्खलन हो सकती है, बिजली गिर सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो लोगों से ये निवेदन है कि 4 से 7 के बीच जब भी आप नेशनल हाईवे का रुख करें, पर मौसम विभाग की फ़ोन नंबर करके या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करके उसके बाद ही आप आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे पहाड़ी इलाकों से परहेज कीजिए, दरिया नदी नालों के पास जाने से परहेज कीजिए। क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो साफ तौर पर बता रहा था कि कुछ लोग, एक परिवार के लगभग 4 से 5 लोग बहुत फंसे हुए थे पानी में, क्योंकि वो सेल्फी लेने के लिए इस पानी में गए और पानी ने ऐसा उन्हें घेरा कि पांचों की जान चली गई। वो दुखद समाचार था, वो दिल दहला देने वाला वीडियो था। तो प्लीज अपनी जनता से भी कहेंगे ऐसी हिमाकत ना करिए, ऐसी गलती ना करिए जिसे आने वाले समय में आपको अपनी जान से भुगतान करना पड़े और परिवार पूरी उम्र के लिए उनकी आंखों में आंसू और दिल में गम रहे। तो फिलहाल जो मौसम का अलर्ट है उसे समझना चाहिए और आप लोगों से निवेदन करते हैं, खास करके नदी नालों बाढ़ वाले इलाकों में, यानी कि जिस तरह से नदी नालों चनाब दरिया की अगर बात करें, तभी सूर्यपुत्री तभी नदी की बात करें, तो आपने देखा बरसात में इसका भी जल स्तर बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए नदी नालों वाले इलाकों में अपने परिवार के साथ ना जाइए। और अगर नेशनल हाईवे का रुख करते हैं तो 4 से 7 यानी जो बताया जा रहा है 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पूरी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करने के बाद ही वहां का रुख करें। क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।